मौजूदा तरन्नुम आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड की आईपीएस पूजा सिंगर अपने पति अभिषेक झा के साथ पहुंची ईडी कार्यालय। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के लिए किया गया पुख्ता इंतजाम। मानगो जाकिर नगर बच्चा खान रोड में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देता यह इलेक्ट्रिक का पोल। फिर से एक बार सुर्खियों में है जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। पिछले 24 घंटों में विपक्ष के नेताओं के साथ दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर कर रही है वायरल। खबरें विस्तार से। झारखंड की महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल अपने पति अभिषेक झा के साथ रांची के ईडी ऑफिस पहुंची। कुछ देर पहले उनकी सीए सुमन भी ईडी कार्यालय पहुंची है। आपको बता दें कि ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इन्हें ईडी के दफ्तर में 10 मई को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि उद्योग एवं खान विभाग की सचिव पूजा सिंगल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। इन दिनों मानकों में बिजली व्यवस्था किस तरह चरमरा सी गई है इसकी गवाही देता है ये पोल जो जाकिर नगर बच्चा खान रोड पर है। पोल की ये दशा साफ दर्शाता है कि बिजली विभाग के द्वारा किस तरह बड़ी चुनौतियों एवं घटनाओं को दावत दी जा रही है। मानकों में पिछले 2 महीने से बिजली व्यवस्था किस तरह चरमरा सी गई है ये हम आपके बीच रखते हैं। कभी कहीं तार झूलती है तो कहीं आग लग जाती है। इन दिनों झारखंड की राजनीति की सरगर्मी थोड़ी तेज चल रही है। इसको और आगे बढ़ाते हुए इरफान अंसारी जामताड़ा विधायक ने 24 घंटे में अपने ट्विटर हैंडल से दो फोटो शेयर की है, जिसमें पहले तस्वीर में उन्होंने पूर्व भाजपा स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सारंगी से शुभकामनाएं लेते हुए तस्वीर डाली है। वहीं दूसरी तस्वीर में सरयू राय के साथ मुलाकात की तस्वीर डालते हुए लिखा है फ्रॉम द नेक्स्ट। अब इनका इशारा किस ओर है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दो संकेत, या तो झारखंड सरकार में कोई तब्दीली हो सकता है या फिर इरफान अंसारी खुद कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अलविदा। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ अब आपके मोहल्ले में भी खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल का नया ब्रांच, जहां इस वक्त लिया जा रहा बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, बचपन प्ले स्कूल में हो रहा है बच्चों का फ्री एडमिशन। कपाली अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने बचपन प्ले स्कूल खुल चुका है, जहां प्ले ग्रुप से अपर केजी तक की पढ़ाई अच्छे माहौल में और बेहतरीन सुविधाओं के बीच आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। स्कूल में बेहतरीन सुविधाओं के साथ वेटिंग हॉल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, अट्रैक्टिव ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और खेलने के लिए हर प्रकार के खिलौने एवं बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑडिटोरियम स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जिसमें एलईडी स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और यहाँ फिलहाल निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था है, जो कि सीमित समय के लिए है, तो क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाएं। अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जिसका सपना आप देखते हैं। जी हाँ, आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने अब खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल, ऑपोजिट अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज कपाली सरायकेला खरसावां।